गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पीपीटी के द्वारा आपका ऑनलाइन क्लास लूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग कार्यों में अनेक रूपों में स्टील का प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण धातु होता है जिसके अंदर वांछित गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी हमको इसको ट्विस्ट करना पड़ता है, तो कभी इसको बेंड करना पड़ता है, कहीं पे इसको स्ट्रेस सहना पड़ता है, कहीं इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होना ज़रूरी है, कहीं इसको कंप्रेशन सहना पड़ता है, कहीं पे सीयर अधिक दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो टूल्स बनते हैं वो टूल्स में भी कभी इसको काटने योग्य होना चाहिए, और कटने के लिए इसे हार्ड बनाया जाता है। वहीं पर जब ये इसे झटका लेने के योग्य भी बनाया जाता है, ताकि ये जब इसके ऊपर स्ट्राइक किया जाए किसी भी हैमर से तो ये टूटे नहीं। इस प्रकार मेटल के बहुत सारे उपयोग हैं जो कि इसके वांछित गुणों को इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना मेटल का इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट ही एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम लोग एक धातु को निश्चित ताक तक गर्म करके हम फिर उसे एक निश्चित दर से ठंडा करते हैं, और इस प्रकार स्टील के आंतरिक संरचना पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, और उसका आंतरिक कंपोजिशन जो है, संरचना है, बदल जाता है, और इसके साथ ही उसके गुण भी बदल जाते हैं, और उसके प्रभाव जो है मेटल के गुणों पे पड़ता है। आइए सबसे पहले हम हीट ट्रीटमेंट की परिभाषा को जानें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार की एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से धातु में उसकी भीतरी बनावट में परिवर्तन किया जाता है, और इसके द्वारा यांत्रिक गुणों में विकास किया जाता है। अर्थात जब हम मेटल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ वांछित गुण आ जाते हैं। ये वांछित गुण जो है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो है धातु को भिन्न भिन्न तापमान पर गर्म करके फिर से उसको ठंडा करते हैं और उनके गुणों में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार हीट ट्रीटमेंट का कुछ खास पर्पस होता है। आइए हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य के बारे में हम लोग जानें। हीट ट्रीटमेंट के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। धातु को मुलायम बनाकर मशीनन क्षमता को सुधारने के लिए, अर्थात धातु जो कड़ा है उसको मुलायम किया जाता है ताकि उसका मशीनिंग किया जा सकता है। दूसरा, धातु को गर्म एवं ठंडा करके जो उसके अंदर प्रतिबल या इंटरनल स्ट्रेस पैदा होता है उसको दूर करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। धातु को वेयर एंड टेयर या घिसने से बचाने के लिए, यहाँ खींचना लिखा गया है बल्कि ये घिसना होना चाहिए, घिसने से बचाने के लिए भी हमको हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। धातु के यांत्रिक गुण को सुधारने के लिए जैसे कठोरता, भंगुरता, तन्यता, तनाव सामर्थ्य आदि गुणों को लाने या हटाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जंग या संक्षारण से भी हम धातु को बचाते हैं। संक्षारण मतलब कोरोजन। कोरोजन का अर्थ होता है जब धातु अर्थात मेटल जब पानी या हवा से प्रक्रिया करके एक लेयर बनाता है, इसे कि संक्षारण करते हैं कहते हैं, इसको भी हीट ट्रीटमेंट के द्वारा दूर किया जाता है। धातु में विद्युतीय और चुंबकीय गुण में वृद्धि भी की जाती है। धातु को काटने योग्य बनाने के लिए हार्डनिंग की क्रिया की जाती है, और काटने के साथ इसमें भंगुरता आ जाती है हार्ड होने के चलते, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग टेम्परिंग भी करते हैं। और सबसे लास्ट जो है, धातु के मशीनिंग के कारण, फोर्जिंग और मशीनिंग के कारण धातु के आंतरिक बनावट में जो विकृति आती है उसको सही करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अगले स्लाइड में संरचना, इस्पात की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुद्ध लोहा जो होता है पूर्णतः फेराइट होता है। यह मुलायम और डक्टाइल होता है। इसकी आंतरिक संरचना रवेदार होती है। इस्पात लोहे मैंने आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। कार्बन के मिलाने से इस संरचना पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह कार्बन फेराइट के साथ मिलकर एक रासायनिक मिश्रण बनाता है जिसे सीमेंटाइट कहते हैं। सीमेंटाइट बड़ा कठोर होता है तथा भंगुर पदार्थ है और यह सफ़ेद रंग का होता है। वाइट कास्ट आयरन में जो है सफ़ेद रंग इसी सीमेंटाइट के कारण बनता है। रसायन मिश्रण के रूप में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा लोहे में होगी उतना ही सीमेंटाइट अधिक बनेगा, लोहा उतना ही अधिक कठोर होगा। यह रासायनिक योग आँख से नहीं दिखाई देता बल्कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। सीमेंटाइट लोहे में स्वतंत्र रूप से विद्यमान न रहकर परलाइट के रूप में रहता है। परलाइट शब्द जो है सीमेंटाइट और फेराइट का योग से बना हुआ है। अर्थात अब आइए हम लोग एक एक करके बाकी का स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, फेराइट यह शुद्ध लोहा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.008% से 0.0025% तक होती है। यह जैसा कि स्पष्ट है कि कम मात्रा कार्बन का होगा तो यह हार्ड नहीं होगा बल्कि मृदु और तन्य होगा। और इसका स्ट्रक्चर मैंने फेराइट का स्ट्रक्चर प्योर आयरन के बराबर होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत बिल्कुल नगण्य होती है। आइए अगला स्लाइड को हम लोग देखें। अगले स्लाइड में सीमेंटाइट, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि स्टील में जब कार्बन का अस्तित्व लोहे तथा कार्बन के रासायनिक यौगिक के रूप में होता है तब उसे आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट कहते हैं। यह वाइट कलर की स्ट्रक्चर होता है या कठोर भंगुर होता है। मेटल में जितना सीमेंटाइट बढ़ेगा उसका कठोरपन उतना ही अधिक बढ़ेगा। तीसरा है योक्टाइट या पियरलाइट स्टील। जब स्टील में कार्बन 0.84% होता है तो उसे योक्टाइट या पियरलाइट स्टील कहते हैं। यह फेराइट और सीमेंटाइट से अधिक मजबूत होता है। हाइपर योक्टाइड स्टील, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 2.1% होती है उसे हाइपर योक्टाइड स्टील कहते हैं। हाइपर का मतलब अधिक मात्रा कार्बन की हो, अर्थात मतलब कि योक्टाइड स्टील में 0.8 होता है और इसमें अधिक होता है, इससे अधिक होता है। और जिसमें 0.8 से कम होगा उसको हम लोग जो है एक मिनट और अगला जो आप देख रहे हैं यह है हाइपोयोक्टाइड स्टील। हाइपोयोक्टाइड स्टील का मतलब है कि इसमें स्टील का कार्बन 0.84% से कम होता है। जैसा कि इस लाइन से आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 0.8 है, इससे कम वाला हाइपोयोक्टाइड स्टील, इससे अधिक वाला हाइपर योक्टाइड स्टील कहलाता है, और जो 8% वाला है वो योक्टाइड स्टील कहलाता है। अब जो है स्टील की एक और संरचना का अध्ययन करें। जैसा कि प्योर आयरन जो है फेराइट होता है, और फेराइट और परलाइट 0.7% तक जो है क्या होता है कि फेराइट की मात्रा अधिक होती है, परलाइट की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे कार्बन का प्रतिशत बढ़ता है परलाइट की मात्रा बढ़ते जाता है, पियर लाइट की मात्रा। अब जब 0.8% पे पियर लाइट की मात्रा सबसे अधिक होती है, पियर लाइट की मात्रा अधिक होने का मतलब है कि स्ट्रक्चर अधिक मजबूत होगा। और जैसे जैसे अब जो है 0.8 से 2.1% तक कार्बन बढ़ता है तो उसमें परलाइट के साथ साथ सीमेंटाइट की मात्रा बढ़ती जाती है। सीमेंटाइट की मात्रा मतलब उसका हार्डनेस बढ़ता जाएगा।
जैसा कि आप लोग इस फिगर को देखें, ये जो है हीटिंग कर्व फॉर स्टील है। अब यदि स्टील को गर्म किए जाएं, तो जब इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो 723 डिग्री के पश्चात इसका आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है, और जब यह परिवर्तन होता है तो एक नई संरचना का निर्माण करता है जिसे कि ऑस्टेनाइट कहते हैं। और ऑस्टेनाइट अचुंबकीय होता है, मतलब इसमें मैग्नेटिक गुण नहीं होता है। अब यदि इस गर्म किए हुए स्टील को ठंडा किया जाए तो ये पूर्व की संरचना प्राप्त कर लेगा और एक महीन कण में बदल जाएगा और आसानी से मशीनन करने योग्य बन जाएगा। स्टील को शीघ्रता से अगर पानी या तेल में ठंडा कर दिया जाए तो ये एक हार्ड संरचना बन जाएगी। ये ऑस्टेनाइट की नई संरचना मार्टेनसाइट कहलाती है। मार्टेनसाइट में यह कठोर और चुंबकीय हो जाती है और इसमें जो है वेयरिंग एंड टेयरिंग, मतलब घिसने का गुण जो है कम हो जाता है, जिसके चलते इसे काटने योग्य बनाया जा सकता है। जब स्टील को गर्म किया जाता है तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार इसको प्रदत्त ऊष्मा तापमान में वृद्धि करने में प्रयुक्त हो जाती है, परंतु लगभग 723 डिग्री तापमान पर पहुंचने पर तापमान में वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि दी गई ऊष्मा का उपयोग लोहे के कण में पुनर्निर्माण में होने लग जाता है, जिससे एक गाढ़े द्रव्य ऑस्टेनाइट का निर्माण होता है। इस तापमान को निम्न कांतिक तापमान कहते हैं, मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जब तापमान जिस तापमान पर ऑस्टेनाइट का पूरा निर्माण हो जाता है वह तापमान उच्च कांतिक तापमान कहलाता है, मतलब हाई क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इसका मान स्टील में कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कार्बन की मात्रा कितना भी हो, चाहे वो जीरो हो या कार्बन की मात्रा अधिक हो, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सेम होता है, पैरेलल होता है। वहीं पे देखिए यूटीसी, मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जब कार्बन की मात्रा कम होती है, मतलब 0.8% से कम होती है, अर्थात बहुत ही कम, तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे हम 0.8% की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे अपर क्रिटिकल पॉइंट डाउन होता है, और 0.8 पर, मतलब 0.4 पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम हो जाता है। फिर उसी प्रकार से जब कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है तो उसके अंदर जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फिर राइज करने लगता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कार्बन के परसेंटेज का जो है लो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात जब जब उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है तब निश्चित रूप से उसमें पियरलाइट की मात्रा कम हो जाती है और सीमेंटाइट की मात्रा अधिक बढ़ती है, जिसके चलते इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इस प्रकार हम लोग जो है स्टील का गर्म और ठंडी अवस्था में कौन कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे कक्षा में ऊष्मा उपचार की जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।